ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 जनवरी 2023 और रिवाइज डेट हैं 25 नवंबर 1993। आज की मुरली में बाबा ने हर कर्म में, बोल में, संकल्प में सहज सिद्धि प्राप्त करने का आधार बताया, ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनना है। बाबा कहे, ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रहता, तो ज्ञान है प्रकाश और व्यर्थ है अंधकार। फिर बाबा ने योग के प्रयोगी आत्मा की 3 निशानियां बताई। पहला, बाबा ने कहा कि वह संस्कारों के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी होंगे। दूसरी निशानी, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। और तीसरी निशानी बताई, विकारों पर विजयी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, हर कार्य में सिद्धि स्वरूप बनने के लिए योग के प्रयोग को विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। बाबा कहे, आज ज्ञान दाता, वर दाता अपनी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है, ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं व ज्ञान स्वरूप बने हैं, समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं व सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं, तो क्या कहेंगे, सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। बाबा ने कितना गुह्य और सरल एग्जाम्पल दिया कि ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर व्यर्थ रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ, तो ज्ञानी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबर वार है। क्यों नंबर बने, बाबा कहते हैं नंबर क्यों बने, जब भाग्य विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों। बाप दादा ने देखा, योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं, अर्थात जो बाबा से गुण, शक्तियाँ, ज्ञान मिला हुआ है उसका स्वरूप बन कर्म और व्यवहार में नहीं आए हैं, अर्थात प्रयोगी नहीं बने हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग करना नहीं आता, जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन और योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, शक्ति स्वरूप की जो परिभाषा सुनाते हैं वो परिभाषा कर्म में आई है, प्रयोग में आई है। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव हैं। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते।
ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया, तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले यह फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्वयं के संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है, बाबा प्रयोगी आत्मा की निशानियां सुना रहे हैं, जिसको हम भी अपने साथ टैली कर सकते हैं। पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजय। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजय। तो बाबा ने दो निशानियां सुनाई, एक तो बाबा ने कहा संस्कारों के ऊपर योग का प्रयोग कर विजय बनना, और दूसरी बाबा ने कहा कि जो प्रकृति के द्वारा परिस्थितियां आती हैं उसके ऊपर भी योग के प्रयोग द्वारा विजय। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधन और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएंगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। बाबा कहते अगर अचल अडोल योगी जीवन है तो उस आत्मा के आगे साधन स्वतः ही आएंगे, उनको कहेंगे प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो संस्कार परिवर्तन विजय और प्रकृति के प्रभाव के विजय कहाँ तक बने हैं। तीसरी निशानी है विकारों पर विजय। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये पांच विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भगत लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते, जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि उन्होंने कालिया नाग के शीश पर डांस किया। जब विजय बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना, तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है, स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। बाबा कहते आप बच्चे महायोगी हो, क्योंकि स्वयं भगवान के साथ योग रखने वाले हैं, और ऐसी आत्मा के हर संकल्प बोल और कर्म में सिद्धि मिलनी ही है। अगर नहीं मिलती है तो चेक करना है कि विधि में कहाँ कमी है। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता अधर्म तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है, अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे।
आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। भक्ति में आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है? है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा कहते ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, सफल आत्मा किसको कहेंगे? जो समय पर उसका प्रयोग हो। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तन आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ज्ञान स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। 24 नवंबर को दो कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार हैं। ऑलराउंडर दादी जो गुलजार दादी की लौकिक माताजी थे, उनके संस्कार के पश्चात बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वह हैं। बाबा ने कहा, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है और लगता भी ऐसे ही है ना, जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा, लेकिन दोनों क्या लगे, खेल में खेल, फर्क पड़ता है क्या? बाबा कहते हैं, दोनों स्थितियों में स्थिति कैसी रहती है, कोई फर्क पड़ता है? स्थिति में फर्क पड़ता है। लौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा, थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं। साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का, यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा मृत्यु का खेल देखा, इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा, सेंटर भी याद नहीं आए। टीचर्स को देखते हुए बाबा ने कहा, सेंटर्स भी याद न आए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हो, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, अभी निर्मल शांता दादी से मुलाकात है, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बेटी थी, उनसे बाबा की मुलाकात है। संगठन अच्छा लगता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, संगठन अच्छा लगता है ना? संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नजर कितने प्यार से आपके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा, शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है,
और क्या काम है, और क्या काम है, सब देख देख कितना खुश होते हैं, क्योंकि निर्मल शांता दादी बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के जैसे ही दिखाई पड़ती थी, इसलिए बाबा कहते हैं सभी देख देख बहुत खुश होते हैं। तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नजर निमित आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, उसमें पहला ग्रुप है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांसेस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए, दोनों ही शक्तिशाली हो। बाबा कहते याद और सेवा दोनों ही शक्तिशाली हैं, तो ये ब्राह्मण जीवन सदा निर्विघ्न चलता रहेगा। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, तो दोनों ही शक्तिशाली हैं, या फर्क पड़ जाता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं दोनों की स्थिति कैसी है, शक्तिशाली है, कमजोर है, दोनों का बैलेंस ठीक है, कभी सेवा ज्यादा हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती, दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा, स्वयं की सेवा नहीं निस्वार्थ सेवा, तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देंगी, इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के बैलेंस के द्वारा हर कर्म की समाप्ति के समय विजय अनुभव होंगी, इतना अटल निश्चय होगा कि विजय हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होंगी तो किसकी होंगी, क्षत्रियों की होगी क्या, ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजय यह गायन है ना, तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित है, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित है, अर्थात याद और सेवा द्वारा जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसमें विजय हुई पड़ी है। जैसे किसी भी प्रकार की किसी को शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है, यह तो कोई बात ही नहीं है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पति के पास है। बाबा पूछ रहे हैं आपके पास धन की शक्ति है ना कि सिर्फ करोड़पति के पास ही है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी ज्ञान धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है, जो भी शक्तियां गाई हुई है सब शक्तियां आप में है या कभी प्रायः लोप हो जाती हैं। बाबा ने पहले शक्तियों की गिनती कराई, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि है या कभी प्रायः लोप हो जाती हैं, इसमें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता, तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं, कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्वयं प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरों के कार्य में भी लगा सकते हैं,
पांडवों में शक्ति आ गई है या कभी क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है, माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। बाबा कहते पांडवों को अपने हर संकल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएंगी ना, पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है, विजयी है ना। बाबा कहते हैं आप पांडव बच्चों का तो यादगार ही विजयी हैं, तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा दूसरा ग्रुप है, बाबा कहे सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो, तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे, जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी है, निर्माण सबको सुख देगा। बाबा ने पहले विशेषता बताई, प्राप्ति बताई, फिर पहचान बता रहे हैं कि जो जितना महान होता है उतना निर्माण होता है, और वह उतना दूसरों को सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए, सुख की अनुभूति करे, ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते दुख लेते, चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो, थोड़ा फील होता है तो लिया ना। बाबा कहते हैं दुख फील होना माना दुख ले लिया। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना, लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख लेना और सुख देना, ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे कि मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेने में भी होशियार चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं, तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी एक पांव दुख धाम में, एक पांव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पांव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना न दुख देना। अच्छा आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप ऑलराउंडर पार्ट धारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं, ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंडर उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे,
उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंडर पाठधारी। आज का स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।